तो दोस्तों क्या हाल चाल, यहाँ पे जो कि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राजस्थान रॉयल वर्सेस कोलकाता टीम के बारे में। और भाई यहाँ पे ग्रैंड लीग हमें लगाना चाहिए या तो जो कि यानी कि स्पोर्ट किस पे हमें ज्यादा फायदा है। भाई आप लोग वीडियोस को कम्प्लीटली देख लीजिए, अगर इसके बाद आपको गलत लगे तो भाई आप वीडियोस को देखना बंद कर दीजिए आज से, ओके। तो यहाँ पे जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही काम की चीज है भाई, इससे कभी भी आपका पैसा जो कि लॉस नहीं होगा ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पे। और एक चीज जो कि मेरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों से जो वीडियोस देख रहे हैं, भाई क्या मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऊपर आता है, यानी कि जो कि यहाँ पे जैसे स्लाइड करते हैं जैसे कि मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ आपके पास आता है या नहीं, तो आप कॉमेंट्स करके भाई जरूर बता दीजिए, आप सभी लोगों की मेहरबानी होगी। और एक चीज बता दो, अगर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई, बिल जो होता है बिल्कुल प्रेस करते टाइम ऑल का ऑप्शन जरूर दबा दें, ओके। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं। और एक चीज मैं आपको समझाता हूँ भाई, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरे फ्रेंड्स का फोन है, ओके। और कल भाई ज्यादा लॉस हो गया तो सभी इसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, बट यहाँ पे एक चीज तो मुझे समझ आया ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पे कि हमें करना क्या चाहिए भाई, ठीक है। ज्यादा लालच के चक्कर में हम बहुत बड़ा नुकसान करवा लेते हैं अपना, तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई 17 रुपए जो कि 44 जो कि ये दिखा रहा है और फर्स्ट वाले रैंक वाले को, ठीक है। और जिसमें 17 रुपए यानी कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 44 रुपए जीते, ओके 44 रुपए जीते भाई, और यहाँ पे 17 रुपए लगा करके, ठीक है। अगर आपके पास डिस्काउंट है कैश बोनस है तो आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 9 रुपए या तो 8 रुपए देना पड़ेगा डिस्काउंट है। अगर नहीं है तो भाई आप अपने जो कि रेफरल कोड है आपका कमेंट्स कर दीजिए, मैं अपने वीडियोस पे लगा दूंगा जिससे कि लोग डाउनलोड करते हैं उसको, तो आपको कैश बोनस मिल जाएगा। तो भाई आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अगर आप 17 रुपए ही लगाते हैं, ठीक है, कैश बोनस हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं है तो 17 रुपए ही आप लगाते हैं, बट आपको 44 रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो कि अर्निंग होती है यानी कि हमारा जो बेनिफिट होता है वो 3 यानी कि 27 रुपीज, ठीक है, 27 रुपीज का, यानी कि समझ लीजिए सीधा सीधा 30 रुपए ही हमें बेनिफिट हो गया अगर आप 17 रुपए वाला लगाते हैं। और भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो कि 31 रुपए में यानी कि होते हैं भाई, स्पोर्ट वाला बता रहा हूँ, ठीक है, स्पोर्ट वाला 31 रुपए में आपको मिल जाता है 1000 रुपए, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे चल के भाई, वीडियोस को कम्प्लीटली देख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है और आज के बाद आप कभी नहीं हारेंगे भाई, आपका लॉस तो कभी होने वाला ही नहीं है, जैसे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हम ग्रैंड लीग की बात नहीं कर रहे हैं भाई, ग्रैंड लीग तो बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे जो कि हम स्पोर्ट की बात करेंगे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, देख सकते 27 में 70 रुपए, ठीक है। तो इससे भाई हम पहले ही ज्वाइन कर लेते हैं आपके सामने, और यहाँ पे 19 में 66 रुपए, 27 में 70 और 17 में 44 जैसे कि कल हमने जीता। तो इस प्रकार से आप अगर ये भाई तीनों जो ज्वाइन कर लेते हैं यानी कि आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं भाई, यहां पे 17, 19 और 27, ठीक है, ये कैलकुलेट करिए आप एक चीज, और एक चीज नोटिस करिएगा, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं, पहले 17 रुपए कर लेते हैं और उसके बाद प्लस यहां पे, ठीक है, 17 प्लस 19 और प्लस 27, ठीक है, तो ये होते हैं 63 रुपए, ठीक है, 63 रुपए होते हैं जिन्हें हमें तीन स्पोर्ट ज्वाइन करते हैं तो 63 रुपए हमें देने पड़ते हैं। और भाई यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये स्पोर्ट जीत लिया, ठीक है, इस पे जिससे कि हमें 27 रुपए का बेनिफिट होता है भाई, और 100% भाई यहाँ पे बता दूंगा आपको, यहाँ पे आप 100% जीतते हैं, ये फुल दिखा रहे हैं बट यहाँ पे अभी फिर से ये जो कि एंट्री कराएगा, ओके। तो यहाँ पे 100% जीतते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे जो कि दो टीमों से जो कि हमें यानी कि वर्सेस करना पड़ता है, कंपटीशन रहता है, और ग्रैंड लीग में बहुत ज्यादा भाई रहता है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया भाई, आप लोग यहाँ पे अदर यूट्यूब चैनल अदर वीडियोस देखते हैं भाई, तो ज्यादा परेशान मत हो ये ग्रैंड लीग जीतने में, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा जो कि आप समझ नहीं रहे, ठीक है। मैं सारे जो कि सब्सक्राइबर और सारे व्यूअर्स को बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आप सोच रहे होंगे कि भाई कि ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों। तो भाई हमारे ये टोटल 63 रुपए, यहाँ पे बता दूं आपको, यहाँ पे अगर जीतते हैं तो 44 रुपए जीतेंगे, 44 रुपीज में आप 17 रुपए माइनस कर दीजिए तो आपको बचते हैं 27 रुपए, ठीक है, 27 हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, 27 हमारे हो गए, ठीक है, एक स्पोर्ट में। और जो कि हम 19 वाला अगर लगाते हैं तो भाई यहाँ पे 66 जीतेंगे, इसमें भी 4 लोग होते हैं भाई, और 66 रुपए जीतेंगे तो 66 में हम माइनस करेंगे यानी कि 19 रुपए, ठीक है, तो इसमें हमें मिलते हैं 47 माइनस और प्लस जो कि 27 आप कर दीजिए तो 74 हो जाता है हमारा, ठीक है, 74 और 74 जो कि आप समझ सकते हैं 74 रुपए हो गए भाई हमारे, और यहाँ पे इसमें जीतेंगे 70 रुपए जो कि 3 स्पोर्ट होंगे भाई, 27 रुपए लगा करके, तो आप सोच लीजिए 27 रुपए लगाएंगे तो यहाँ पे 74 और 70 कितने हो जाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ भाई, आप लोग ये समझिए भाई, और आपके कभी भी लॉस नहीं होगा, कभी भी आपको पैसा नहीं जाएगा, तो 144 यानी कि 150 आपको सीधे सीधे हो जाएंगे। और भाई मैं यहाँ पे मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप मेरी टीम स्पोर्ट पे लगाते हो तो भाई 100% वर्किंग और आपको जिताएगी, ये तो मैं खुद कह सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं आपको सीधे सीधे तो ग्रैंड लीग में बहुत ही कम लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं सारे फ्रेंड्स को भी यही कहता हूँ जो कि आप स्पोर्ट लगाइए, स्पोर्ट में ज्यादा बेनिफिट हमें होता है, तो यहाँ पे 150 रुपये हम अच्छा खासा जीत लेंगे। और भाई एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे आप एक दिन लगाइए और फिर नोटिस करिए, यानी कि आपको यहाँ पे जो कि मिलेंगे जो 4 आपको कंपटीशन में टीमें मिलेंगी भाई, बहुत ही यानी कि लूजर कंपटीशन वाले मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे जो कि होते हैं भाई यहाँ पे बहुत ही कम, मैं चीज बताता हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए भाई, समझना क्या है तो मैं आपको बताता हूँ,
कि यहाँ पे जो लूजर कंपटीशन वाले क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके पास इतने पैसे नहीं होते भाई, और वो लोग सोचने की स्पोर्ट है चलो लगा देते हैं, ठीक है 17 रुपए में 44 मिल जाएंगे और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं भाई, मिल जाएंगे हमको ही मिल जाएंगे, ऐसा सोचते हैं वो। और ग्रैंड लीग में बहुत बहुत ही हाई कंपटीशन रहता है भाई, बहुत ही हाई कंपटीशन। यहाँ पे आपकी 2-4 टीम में कुछ काम नहीं करने वाली। और यहाँ पे एक चीज मैं समझाता हूँ आपको, आप समझिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि 125 रुपए आप लगाते 12 लाख का है, तो यहाँ पे 1,25,000 आपको मिलने वाला है, ठीक है 1,25,000। और ज्वाइन कितने लोग करेंगे, 12,820, ठीक है। और प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट प्राइस 7,978 से मिलेगा आपको, ठीक है, यानी कि 7,978, यानी कि आप समझ लीजिए 8,000 समझ लीजिए, और 8,400 लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला यहाँ पे, ठीक है 4,000 लोगों को मतलब कि कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे आपकी गारंटी बनेगी आपको पैसे वापस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा कि आपके पैसे वापस आने वाले, इनके 4,000 को कुछ भी गारंटी में नहीं देने वाला, आप लोग सोच सकते हैं भाई। तो इसलिए आप वहां पे अगर भाई, मैं बता रहा हूँ कि अगर 150 रुपए जैसे अपने वहां पे जीते, तो अगर आप ज्यादा टीम भाई स्पोर्ट पे लगाते हैं, यानी कि 17 रुपए में 44 रुपए ऐसा करके, या तो बहुत सारे आपको मिलते हैं, यानी कि 1,000 वाला भी मिलता है आपको, जो कि 31 रुपए में 1,000 शायद अभी जो कि ओपन नहीं है, ठीक है थोड़ी देर बाद आपको शो होने लगेगा, अगर आप उसको लगाते हैं, यानी कि 31 रुपए में 1,000 जिसमें 10-12 लोग स्पोर्ट रहते हैं वहां पे आप लगाते, तो भाई आपको काफी अच्छी यहाँ पे देख सकती है 59 रुपीज का है, ठीक है, और 39 रुपीज का। तो यहाँ पे 59 वाले में 222 लोग जो कि स्पोर्ट में मिलेंगे, और भाई भाई यहाँ पे उस कंपटीशन आप देख सकते हैं 200 लोग के बीच में है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई आपकी टीम जो कि काफी अच्छा रैंक करेगी। आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जो कि ग्रैंड लीग में 1,000 पॉइंट यानी कि हाईएस्ट पॉइंट 1,000 हुए और आपकी 700-800 पॉइंट वाली टीम बनी, ठीक है 700-800 पॉइंट वाली टीम बनी। तो भाई वही टीम अगर आप यहाँ पे लगा देंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि भाई आप यहाँ पे 1,000 रुपए 59 रुपए में जीत जाएंगे, ठीक है 1,000 रुपए आप 59 रुपए में जीत जाएंगे, और बहुत ही ज्यादा आपके चांसेस हैं यहाँ जीतने के। और भाई ग्रैंड लीग में यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर आपको समझाते हैं मैथ गणित ऐसा करके, बट आपका लॉस ही होना है। आप चाहे तो लिख करके रख लीजिए भाई, स्टाम्प पेपर पे लिख करके रख लीजिए, आप कभी भी ग्रैंड लीग नहीं जीतने वाले, ठीक है। और 2-4 टीम से तो कभी जीतने ही वाले नहीं है, और भाई ज्यादा टीमें अगर लगाते हैं आप 10-12-15 टीमें, अगर सारी टीमें आपकी लॉस कर गई तो आपने यानी कि डिप्रेशन में चले जाएंगे, ओके, यानी कि 50-50 रुपए की 12 टीम लगा दी तो भाई तो सोच सकते हैं कितनी हो जाएगी, ठीक 600 रुपए आपके चले जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप स्पोर्ट लगाते हैं तो भाई स्पोर्ट लगा करके आप काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, जो कि आप सोच नहीं सकते हैं भाई। अपने भाई की बात मान लीजिए, आज के दिन आप स्पोर्ट लगाइए, ठीक है 39 पे 10,000 रुपए, ठीक है 59 पे 10,000 रुपए, जो कि बहुत ही लो कंपटीशन है, 244 में 52 जो कि 52 स्पोर्ट मिलेंगे, यानी 52 लोग मिलेंगे और आपको यहाँ पे पैसे मिल जाएगा। तो आप स्पोर्ट लगाइए भाई, स्पोर्ट लगाने के बाद आप एक बार फिर से कमेंट्स करिए कि भाई आप यही बोलेंगे, मैं आपसे यही सुनूंगा कि आप यही बोलेंगे भाई साहब काफी सारा बेनिफिट हुआ, यानी कि आप यहाँ पे सोच रहे हैं करोड़ों लाखों कमाने के, तो भाई आपकी गलती है और आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है ये आपको खुद पता चल जाएगा। जब यहाँ पे आईपीएल खत्म होगा तो आप खुद सोचेंगे और काउंट करेंगे कि भाई हम कितने जो कि ज्यादा कमाने के चक्कर में, ज्यादा कमाने के लालच में हम बहुत सारा लॉस कर गए, ठीक है ये आपके माइंड में जरूर आएगा भाई। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को सलाह देना चाहता हूँ, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को जरूर शेयर करिए जो कि ड्रीम इलेवन खेलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पोर्ट पे काफी अच्छा पैसा कमाया, और जो मैं टीमें सजेस्ट करता हूँ भाई वही टीमें आप ग्रैंड लीग पे लगाते हैं तो कैसे वर्क करेंगी, ओके तो ये चीज होती है भाई। और ग्रैंड लीग वाली टीम भाई लक होता है, ठीक है स्पोर्ट पे तो आप मैं 100% कह सकता हूँ भाई, 110% कह सकता हूँ कि आप जीत सकते हैं मेरी टीमों से, क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत कम रहता है। और भाई जो कि यहाँ पे ग्रैंड लीग होती है भाई वहां पे मैच मेरे हिसाब से फिक्स होता है, ठीक है यहाँ पे मेरे हिसाब से फिक्स होता है भाई, आपको कुछ पता नहीं चलता। कि आप कभी कभी ऐसा देखे होंगे जो नीचे टीमें रहती हैं अचानक से ऊपर आती हैं भाई, अचानक से ऊपर आते हैं भाई, और आप 12 के 12 प्लेयर चूंकि सही नहीं कर सकते, ये आप लिख करके रख लीजिए 12 के 12 प्लेयर आप सही नहीं ले सकते, और वाइस कैप्टन कैप्टन भी आप सही नहीं ले सकते, ये सोच लीजिए। तो इसलिए आप जब आईपीएल खत्म हो भाई तो आप लोग एक बार मेरे चैनल पे जरूर आइएगा, मैं लाइव आऊंगा और आप सभी लोगों से पूछेंगे कि आप कितने लाखों करोड़ों कमाए, ठीक है। तो भाई 150, 250, 300, 400, 500, 1,000 जो कि मैं की डेली का गारंटी ले सकता हूं कि आप जीत सकते हैं अगर आप स्पोर्ट खेलते हैं तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कर, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लोग हमारे साथ आए, ठीक है जैसे कि कल की टीम का आपको बताता हूँ, यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन हमने कैप्टन रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन के राहुल को बनाया था, ठीक है आप लोगों ने भी बनाया होगा भाई, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है आपने भी, मैंने आपको भी यही टीम दी थी बट आपने ग्रैंड लीग में लगाई, ठीक है गलती आपकी ये हो गई, आपने ग्रैंड लीग में लगाई। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्लेयर हमारे, 4 प्लेयर मिस, 3 प्लेयर सॉरी मिस है, ट्रेन बोल्ट और कैरन पोलार्ड और क्विंटन डिकॉक और शाहरुख खान, 4 प्लेयर, बाकी सारे के सारे प्लेयर जो कि ड्रीम टीम पे हैं, ठीक है सारे के सारे अच्छे प्लेयर हैं। तो ये टीम अगर आप वहां लगाते हैं भाई तो ग्रैंड लीग में आपको लॉस हो गया होगा, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे 4 प्लेयर मिस होने का मतलब क्या है, आपको लॉस होना। अगर आपका एक प्लेयर भी मिस होता है भाई, एक प्लेयर यानी कि आपको पॉइंट नहीं देता, तो आपका फिर भी लॉस हो रहा है भाई, आप फिर भी जो कि यहाँ पे यानी कि 1-1.5 लाख टीम के नीचे रहेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ यानी कि ग्रैंड लीग में। अगर आप यही टीम भाई स्पोर्ट पे लगाया, मैंने देख सकते हैं यहाँ पे यही टीम मैंने ग्रैंड लीग में लगाई भाई, लॉस हुआ। तो आप लोग सोच सकते हैं भाई ग्रैंड लीग यानी कि बच्चों का खेल रही है और वहां पे कुछ होने वाला भी नहीं। आप लोग आईपीएल खत्म होगा भाई बताना, लाइव आऊंगा मैं कि आपको कितना लॉस होगा, ठीक है। आज स्पोर्ट खेलने वाले को भाई मैं दिल से सलाम बोलता हूँ कि उनको पक्का जो कि बेनिफिट होता है 1,000 रुपए का तो डेली होता होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कंपटीशन
यहाँ पे इस बंदे ने भाई बनाए थे, देख सकते हैं कैप्टन मोहम्मद शमी, वाइस कैप्टन अर्शदीप सिंह को बनाया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं भाई कितना लो कंपटीशन रहता है, यानी कि और यहाँ पे रोहित शर्मा को कैप्टन इसने बनाते था, वाइस कैप्टन राहुल चहर को बनाया था इसने, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई आपको बहुत चांसेस रहते हैं, और जो कि आप यानी कि बताया 31 रुपए में 10,000 रुपए का, तो उसमें भी ऐसा ही रहते हैं भाई, ठीक है, ऐसे ही लोग रहते हैं, यानी कि आपको बहुत ही कंपटीशन लो मिलता है और आप अच्छा खासा पैसा जीत लेते हैं और ज्यादा कंपटीशन के बिना। तो भाई चलिए अब जान लेते हैं टीम को कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये चीज सारे कुछ समझ जाएंगे, और जो कि आज की टीम में क्या रहेंगे हमारी तो वो बात करेंगे, और ग्रैंड लीग वाली टीम भाई थोड़ी लेट आएगी जिसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट यहाँ स्पोर्ट आप लगाएंगे तो भाई काफी अच्छा जीतेंगे, या तो ग्रैंड लीग भी लगा सकते हैं, यानी कि सब बात होती है भाई, ठीक है, यानी कि लक की। तो यहाँ पे हम संजू सैमसन को लेंगे, जैसे कि केएल राहुल हो गए हमारे संजू सैमसन, ओके, और रोहित शर्मा भाई कौन होगा तो मैं बता देता हूँ, रोहित शर्मा जो कि हमारे हो जाएंगे नीतीश राणा, ठीक है, यहाँ पे रोहित शर्मा है, और जो कि यहाँ पे संजू सैमसन हमारे केएल राहुल हैं कल के मैच की जैसा, और ठीक है, और जो कि यानी कि बात करें अब क्या बोलते हैं क्रिस गेल की, ठीक है, क्रिस गेल कौन होने वाले हैं पे, संजू सैमसन हमारे होगा यानी कि केएल राहुल राजस्थान से, तो क्रिस गेल हमारे होने वाले हैं भाई यहाँ पे यानी कि राजस्थान रॉयल्स से, जो कि डेविड मिलर, ठीक है, डेविड मिलर भी काफी अच्छा खेल लेते हैं भाई, बट यहाँ पे जो कि इनका पहला मैच परफॉर्मेंस अच्छा था 72 रन, और यहाँ पे आज के मैच में भी बंदा खेलने वाला है, ठीक है, तो ये हमारे जो कि क्रिस गेल हो गए, ओके। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे जो कि दिनेश कार्तिक भाई पिछले मैच में खेले थे काफी अच्छा बढ़िया है पे, ये ईशान किशन या डिकॉके जैसा ही भूमिका निभाने वाले हैं, और नीतीश राणा की बात करें तो भाई यानी कि सूर्य कुमार यादव, तो भाई हमारे सूर्य कुमार यादव जो कि होगा शुभमन गिल, ठीक है, ये हमारे शुभमन गिल हो गए नीतीश राणा यानी कि सॉरी सूर्य कुमार यादव, और ऑलराउंडर की बात करें तो रसल को ले लेना भाई, आपको सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो गई, तो यहाँ पे रसल को ले लेते हैं और क्रिस मॉरिस को ले लेंगे, ठीक है, और साकिब बिन हसन, और बॉलर की बात करें तो बॉलर भाई हमारे पास पैट कमिंस है, और यहाँ पे आपके पास नीचे जो कि आता है आपको आना सकेजिए को ले लेना, ठीक है, सकेजिया हमारे साथ उतरेंगे, और एक बॉलर जो कि हमारे पास मुजीबुर रहमान, ठीक है, ये हमारे बॉलर हो गए, और बैट्समैन भी आपको आना है फिर से यहाँ पे दिनेश कार्तिक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पिछला परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा भाई, बंदा काफी फॉर्म में चल रहा है, और जहां तक मुझे मानना भी है कि कोलकाता आज जीतने वाली, तो ये हमारी सारी टीम हो गई भाई, आप यहाँ पे जो कि ले रखे तो या तो आप साकिब अल हसन को माइनस भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अंदर रसल को काफी पहले बैटिंग मिलती है, बट यहाँ पे बंदा बॉलिंग कराता है तो विकेट ले लेता है साकिब अल हसन, ठीक है, यहाँ पे आप माइनस कर सकते हैं इनको, तो बैट्समैन में आके आपको राहुल त्रिपाठी को ले लेना है या तो आपको राजस्थान के रियल प्राग को ले लेना है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको टीम को सिलेक्ट करना है भाई, ये पर टीम हो गई, और जैसे कि हमने केएल राहुल को बनाया था भाई कैप्टन, तो हमारे आज के टीम में केएल राहुल सैमसन, ठीक है, या तो वाइस कैप्टन इनको बना सकते, कोई दिक्कत नहीं बात नहीं, और नीतीश राणा को कैप्टन बना दीजिए, या तो कैप्टन इनको बना दीजिए या वाइस कैप्टन इनको बना दीजिए, और एक चीज बताता हूं भाई, अगर आप दो टीमें बनाते हैं, दो स्पोर्ट टीमें बनाते हैं तो किस प्रकार से, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारी सेव टीम हो गई, जैसे कि देख पा रहे हैं हमारी फर्स्ट टीम यहाँ पे सेव हो गई, इस प्रकार से हमारी टीम रहेगी जो कि आप देखेंगे काफी बढ़िया टीम है भाई, आप लगाइए स्पोर्ट में, हार जाएंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है, अगर आप हारते तो पैसे मैं आपको दे दूंगा, और दूसरी टीम जो कि स्पोर्ट की हमारी कैसे रहेगी तो आपको बताता हूँ भाई, यहाँ पे आपको ले लेना संजू सैमसन को, और जॉयस बटलर जो कि काफी अच्छा खेल नहीं पा रहे हैं मैच में, तो यहाँ पे माइनस यानी कि देखेंगे बाद में, नीतीश राणा हो गए, और यहाँ पे राहुल त्रिपाठी हो गए, ठीक है, राहुल त्रिपाठी हो गए, और ऑल राउंडर में हमारे अंदरसल हो गए, और राहुल तेवतिया हो गए, साकिब अल हसन हो गए, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पे बैट्समैन की बात करें तो हमारे पास डेविड मिलर हो गए, और मदन मोहरा को आप ले सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे बंदे का परफॉर्मेंस थोड़ा सही नहीं है, तो यहाँ पे आप लेंगे यानी कि रेहान पराग को, और बॉलर की बात करें तो भाई बॉलर में आना आपको, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, कमिंस को तो आपको रखना ही है भाई अपने, और यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा हो गए भाई, ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, और विक्रम चक्रवर्ती हो गए भाई, विक्रम चक्रवर्ती को ले लेना आपको, और यहाँ पे हमको क्या करना है, टीम को कैसे बनाना है, वाइस कैप्टन अंद्रेशल को रख लेना आपको, ठीक है, वाइस कैप्टन अंद्रेशल को आपको रख लेना है, और कैप्टन जो कि आपको यहाँ पे रख लेना है, ठीक है, यानी कि कैप्टन या तो आप सैमसन को रख लीजिए, तो नीतीश राणा को रख लीजिए, या तो मिलर को रख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से आप रख सकते हैं, इस प्रकार की हमारी जो जो कि दूसरी टीम हो गई भाई, काफी बढ़िया टीम है, एक बार आप लोग जरूर लगाएं यहाँ पे स्पोर्ट, ये दोनों टीम आप देख सकते हैं भाई, ये हमारी टीम इस प्रकार से हो जाएगी कुछ, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट वाली टीम जो कि हमने बनाई भाई बहुत कतई जहर है, आप लगाइए स्पोर्ट, अगर आप जीतते तो भाई मैं आपको खुद पैसे दे दूंगा, जितने भी आप हारेंगे सॉरी हारते हैं तो मैं आपको खुद पैसे दूंगा, होपफुली वीडियो पसंद है, लाइक करें भाई, और ग्रैंड लीग से बचिए, स्पोर्ट लगाइए, आपका बेनिफिट भी होगा, 250,000 रुपये आप रेगुलरली कमाएंगे, अर्न करेंगे, ठीक है।